साउथ की मशहूर एक्ट्रेस जयंती इन दिनों विक्रम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 25 मार्च को एक्ट्रेस को सांस लेने की समस्या की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस को अस्थमा की परेशानी बताई जा रही है। एक्ट्रेस इस वक्त डॉक्टर की निगरानी में है और उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया है। उनका बेटा कृष्णा कुमार ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। सबसे पहले एक्ट्रेस को बेंगलुरु सिडविक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें विक्रम हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की सलाह दी। सोर्सेज की माने तो एक्ट्रेस के बेटे कृष्णा कुमार ने बताया कि उनकी मां 35 साल की उम्र से ही अस्थमा की बीमारी से जूझ रही हैं। उनके पास हमेशा एक इनहेलर मौजूद होता है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराने की नौबत नहीं आई। लेकिन पिछली रात जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब हमने उन्हें सिडविक हॉस्पिटल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें विक्रम हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। डॉक्टर उन्हें 24 के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हैं। बता दें कि एक ट्रेस ने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी फिल्में शामिल हैं।